एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 और इसका अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट थर्ड इसका जो है वो है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। सवाल कहता है यहां पे साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a के। जब हम a का वैल्यू देंगे, क्या 0 डिग्री जब देंगे तब बराबर है, 30 डिग्री देंगे तब बराबर है, 45 डिग्री देंगे तब बराबर है, या 60 डिग्री देंगे तब बराबर है। देखे बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे, हम ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले 0 डिग्री से ट्राई करेंगे, फिर 30 से, फिर 45 से, फिर 60 से। एक वैल्यू कोई ऐसा जरूर होगा, क्योंकि ऑप्शन में सारे तो गलत नहीं होंगे, कोई एक ऑप्शन जरूर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा जब ये दोनों कंडीशन बराबर साबित होंगे। देखिए यहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पे जो 2 है वो मल्टीप्लाई है खाली एंगल के साथ। यहां पे देखिए हम लिखे ना साइन ए, यहां पे ए के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2, यहां पे 2 जो है मल्टीप्लाई है खाली एंगल के साथ, नॉट विद साइन। यू नो 2 इज मल्टीप्लाइड विद एंगल, नॉट विद साइन। यहां पे जो 2 है वो पूरे साइन ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। इज इट क्लियर? सवाल कहता है ये दोनों कंडीशन कब इक्वल साबित होंगी, जब 0 डिग्री होगा तब, जब ए का वैल्यू हम 0 देंगे तब, या 30 या 45 या 60। हम क्या करेंगे, हम एक एक करके पुट करके देख लेंगे। हम एक काम करेंगे, सॉल्व में इसको ऐसे करता हूं, पुट ए, ए मीन्स एंगल, मुझे इसको यहां पे पुट करना है और यहां पे आ रहा है, मैं इसको पुट ए इज इक्वल टू, मैं पहले 0 डिग्री से ट्राई करूंगा। अगर ये इक्वल नहीं हो गए, ये वाली इक्वेशन ना, अगर इक्वल नहीं आ गई तो मैं फिर ट्राई करूंगा 30 से, अगर वहां पे साबित इक्वल नहीं हो गए तो मैं 45 से, अगर वहां पे भी नहीं तो 60 से। कोई ना कोई पार्ट होगा जो इनको इक्वल साबित कर देगा। तो अगर मैंने ए किसे बराबर रखा, पहला पार्ट यहां पे 0 डिग्री कर दो एक्सेट्राई, तो मैं लिखूंगा यहां पे साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। जहां जहां पे a है मैं, मुझे वहां पे क्या लिखना है, मुझे वहां पे लिखना है 0 डिग्री। वेरी नाइस। आप देखें साइन इंटू 2 इंटू a के बदले 0 डिग्री, खाली 0 नहीं 0 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस। अब साइन a के बदले साइन a के बदले 0 डिग्री। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दो जगह a था, मैंने वहां पे पुट क्या किया 0 डिग्री। आप थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहां पे साइन 0 इंटू 2 0 डिग्री, वेरी नाइस, इज इक्वल टू 2 ट्वाइस साइन 0 डिग्री एज इट, इसको कुछ मत करो। अब आप एक काम कर लो, अब साइन 0 डिग्री देखो टेबल में किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। साइन 0 डिग्री आप ऊपर देख लो टेबल में, विच इज इक्वल टू 0, पहले ही नंबर पे है, है ना, एम बार लिया को 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री किसके बराबर होता है, सॉरी 0 डिग्री नहीं लिखा, 2 साइन 0 डिग्री किसके बराबर, देखिए 2 तो ऐसे ही इनटू साइन 0 डिग्री के बराबर फिर से 0, वह समझ, देखिए यहां पे भी है ना साइन 0 डिग्री, यहां पे भी है साइन 0 डिग्री, 2 में ऐसे ही लिखूंगा साइन 0 डिग्री के बदले 0, तो 0 इंटू 2 इंटू 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है पहले ही पार्ट में क्लियर हो गया, इसका मतलब है जब मैं ए का वैल्यू दूंगा 0 डिग्री तब ये दोनों इक्वल साबित होंगे। अगर आप बाकी पार्ट दोगे ना नहीं बराबर आएंगे, अगर आप ट्राई करोगे ना नहीं आएगा बराबर, वहां पे इसका मतलब है दिस चॉइस इज करेक्ट, देयरफॉर पहला ही ऑप्शन ट्रू निकला हमें। क्या फिर से समझाऊंगा, जब हम ए का वैल्यू देंगे 0 डिग्री फिर ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन आपस में इक्वल होंगे, यानी ये इक्वेशंस आपस में उस टाइम इक्वल होंगे। अगर आप ट्राई करोगे यहां पे दोगे आप एंगल 45, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, आप ट्राई कर सकते हो। तो अब हम आएंगे पार्ट, इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, अब इसको हमें सॉल्व करना है, और कहता है ये इक्वल इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, वो कैसे पता चलेगा, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये किसके इक्वल है, ठीक है। देखिए बच्चों मैं यहां से सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करता हूं, 2 तो ऐसे ही इंटू 10 30 के बराबर किसके बराबर होता है, पहले ही हमने लिखा है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 ऐसे ही, ठीक है। अब 1 एज इट इज माइनस 10 30 फिर से 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 मगर आफ्टर आपके स्क्वायर, क्योंकि यहां पे है 10 स्क्वायर 30 डिग्री, मैं सही कर रहा हूं, वेरी नाइस। बस अब हमें सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं करना है। देखिए 2 into 1 क्या हो 2, जैसे मैंने अभी किया था ना इसे पहले वाले क्वेश्चन में, रूट 3 इंटू इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 है, अंडर रूट 3 इंटू 1 क्या होगा अंडर रूट 3,
डिवाइड बाय वन को एज इट इज रखो अभी, आप यहां पे सॉल्व करो, ये स्क्वायर ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, एम आई राइट, वन वन इज़ वन डिवाइड बाय स्क्वायर और रूट कैंसिल आई बचो थ्री, एम आई राइट, बिल्कुल ऐसे करना। अब टू डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री को अभी कुछ मत करो, ये सॉल्व ऑलरेडी है ना। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि माइनस और प्लस जब बीच में होता है तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थ्री वन आर थ्री बीच में माइनस वन वन आर वन, अब नीचे वाले दो को थ्री वन आर थ्री, तो सिंपली मैंने क्रॉस किया यहां पर कुछ भी नहीं। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, टू डिवाइड बाय अंडर रूट थ्री होल डिवाइडेड बाय तीन में एक काटो दो डिवाइड बाय थ्री। अब मैंने आपको फिर से वही वैसे प्रोकला में करना है, अगर कभी होगा ए डिवाइड बाई बी होल डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, हम इसको क्या करते हैं, पहले दो एज इट इज लिखते हैं, ए डिवाइड बाई बी इनका रेसिप्रोकल होता है डी डिवाइड बाई सी, ये चला गया मल्टीप्लाई है ना, ऐसे हम यहां पे करेंगे। तो अब हम इसको फर्दर यहां पे सॉल्व करते हैं, देखिए टू डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री इनका रेसिप्रोकल होगा टू डिवाइड बाई थ्री, टू डिवाइड बाई थ्री, थ्री डिवाइड बाई टू सॉरी थ्री डिवाइड बाई टू, टू और टू कैंसिल वहां पे क्या बचा थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था नीचे हमें रूट नहीं होना चाहिए, आप क्या हिस्से करा रैशनलाइजेशन, वेरी नाइस। तो इसको हम रैशन कैसे करेंगे, यही वाला हम मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे नीचे भी, इससे आपके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप ये मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को भी दे रहे हो और डिनोमिनेटर को भी। तो देखिए थ्री डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री, बगैर की अंडर रूट थ्री है इंतजार में बन इंतजार, इससे मुझे क्या होगा नीचे वाला अंडर रूट थ्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। वहीं का इजहार थ्री इंटू अंडर रूट थ्री क्या हो, शाबाश बताए थ्री अंडर रूट थ्री, वेरी गुड। आज का थ्री थ्री आर नाइन की, क्योंकि ये रूट से बाहर है ये रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय रूट थ्री को रूट थ्री का स्क्वायर है ना, पेयरिंग यहां पे मैंने की, स्क्वायर और रूट कैंसिल वहां पे बचा थ्री अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई थ्री, थ्री और थ्री कैंसिल यानी कैसे कटेगी आज क्या बचो अंडर रूट थ्री। टेबल में अंडर रूट थ्री किसके बराबर होगा, देखो अंडर ये खाली अंडर रूट थ्री बहुत हो सकता है, मतलब बहुत सा इनका वैल्यू हो सकता है, लेकिन आपको देखना ऑप्शंस में, ऑप्शन सॉरी मुझे कहां पे ये वाले, cos 60 के बराबर होता है, sin 60 के बराबर, tan 60 या sin 30, ये होता है tan 60 के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका, तो विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया।